गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का शुभारंभ। कहा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे गरीब व मेधावी छात्र छात्राओं के सपनों को लगेगा पंख, भर सकेंगे ऊंची उड़ान। आकर्षक रोशनी से नहाया राप्ती तट पर नवनिर्मित गुरु गोरक्षनाथ और रामघाट, देखने को मिला आकर्षक अद्भुत और अस्मरणीय दृश्य। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे लोकार्पण, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। मेडिकल स्टोर संचालक से लूटकांड का एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने किया सनसनीखेज खुलासा। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 5 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार, लुटेरों का सरगना हुआ फरार। गिरफ्तार बदमाशों के पास से लूटी गई 6,26,000 नकदी, तमंचा, कारतूस और 3 बाइक की गई बरामदगी। मुख्यमंत्री के द्वारा अभ्युदय योजना के वर्चुअल शुभारंभ पर जिले के आला अधिकारियों ने प्रतियोगी छात्रों से साझा किया अपना अनुभव। एडीजी ने कहा, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना गरीब व मेधावी छात्रों के सपनों को करेगी पूरा, आत्मनिर्भर बनेंगे छात्र व छात्राएं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य सचिव ने किया विकास कार्यों की समीक्षा। शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुँचाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत संचालित अध्ययन केंद्र का मंडलायुक्त ने किया शुभारंभ। प्रतियोगी छात्रों को दिया टिप्स, कहा सफलता प्राप्त करने के लिए करें लक्ष्य निर्धारित। राजघाट पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दृष्टिगत एसएसपी ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने राजकीय जिला पुस्तकालय का फीता काट कर किया उद्घाटन, कहा पुस्तकालय से मेधावी छात्रों के सपनों को पूरा करने में मिलेगा सहयोग। प्रथम चरण में टीकाकरण से बचे हुए स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आयोजित किया गया मापअप राउंड। लक्ष्य के मात्र 38.7% को ही लग पाई कोरोना वैक्सीन। फ्रंटलाइन वर्करों के पहुँच जाने से बूथों पर हो गया अफरा तफरी का माहौल। समाजवादी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल का बेतियाहाता स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी के नेतृत्व में किया गया स्वागत। यूथ फ्रंटल की हुई समीक्षा बैठक, बनाई रणनीति। गोरखपुर में सोमवार को मिला मात्र 1 नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,447। अब तक 363 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 50 रह गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। और लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा आयोजित लक्ष्य चैंपियन ट्रॉफी प्राइज मनी क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे दिन एमसीए और लखनऊ के बीच खेले गए मैच में लखनऊ की टीम ने एमसीए को हरा कर किया सेमीफाइनल में प्रवेश।